हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट 5, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स इन सी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 4 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि पहले आप पार्ट 4 को देखिए और उसके बाद में पार्ट 5 को, क्योंकि ये जो पार्ट 5 है ये टोटली डिपेंड्स है पार्ट 4 पे। तो जब तक आप पार्ट 4th नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में पार्ट 5th नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कंटेंट से व्हाट इज वेरिएबल एंड इट्स रोल, व्हाट इज कीवर्ड्स एंड हाउ मेनी कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन सी। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। मैं आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन और ग्रुप। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मुझे प्रोग्राम में 50 वैल्यू को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा इंटीजर डेटा इक्वल्स टू 50। इस स्टेटमेंट में इंटीजर इज अ डेटा टाइप। हमारी वैल्यू विदाउट डिसिमल नंबर की है इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। आप इसको डेटा टाइप भी कह सकते हैं। डेटा ये मैंने वेरिएबल को नाम दिया, इक्वल्स टू हुआ ऑपरेटर और 50 हो गए वैल्यू कि जिसे हमें प्रोग्राम्स में यूज़ करना है। जब भी प्रोग्राम्स में आप किसी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तब उस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंपाइलर एक ब्लॉक अलोकेट कर देता है जिसे हम रिजर्व एरिया भी कह सकते हैं, और उस ब्लॉक में कंपाइलर उस वैल्यू को स्टोर कर देता है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि इस ब्लॉक को कितनी मेमोरी लगेगी। तो मेमोरी डिपेंड्स करती है आपके डेटा टाइप के ऊपर। जैसे अगर आप इंटीजर टाइप का यूज़ करते हो तो उस ब्लॉक को मेमोरी लगेगी 2 बाइट। अगर आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हो तो उस ब्लॉक के लिए 4 बाइट मेमोरी लगेगी, और अगर आप कैरेक्टर टाइप यूज़ करते हो तो उसके लिए कंपाइलर 1 बाइट की मेमोरी अलोकेट कर देगा। ठीक है, तो इंटीजर के लिए 2 बाइट लगेगी, फ्लोट के लिए 4 बाइट और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। अब एक बार मेमोरी अलोकेट होने के बाद, वैल्यू स्टोर होने के बाद, अगर आप उस ब्लॉक को बाद में एक्सेस करना चाहते हो तो उस ब्लॉक को हमें कुछ ना कुछ नाम देना होता है, और उस ब्लॉक को हम जो भी नाम देंगे उसे ही हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब मेमोरी में जो भी ब्लॉक क्रिएट होगा उस ब्लॉक को हम जो नाम देंगे बाद में एक्सेस करने के लिए उसी नाम को हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो शायद आपके समझ में आया होगा। अब इस वेरिएबल को नाम देते समय हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है वो भी हम देखते हैं। तो हमारा पहला रूल है, अ वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आप वेरिएबल को नाम देते समय किसी भी अल्फाबेट्स, किसी भी डिजिट्स और अंडरस्कोर को कंबाइन कर सकते हैं। हमारा सेकेंड रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट आइदर बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। जैसे कि हमने पहले रूल में देखा कि आप वेरिएबल को नाम देते समय किसी भी अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर को कंबाइन कर सकते, लेकिन आपके वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है वो अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से होनी चाहिए। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप डिजिट्स को मिडल में यूज़ कर सकते या फिर एंड में यूज़ कर सकते, सिर्फ आपको डिजिट से स्टार्टिंग नहीं करनी है। आप वेरिएबल को नाम देते समय आपके वेरिएबल की जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही हमारा थर्ड रूल है, लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज़ 1 to 31 कैरेक्टर। आप 31 कैरेक्टर से कम दे सकते लेकिन आपकी जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा चौथा रूल है, नो कॉमास एंड ब्लैंक्स आर अलाउड इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में आपको कहीं पर भी कॉमा नहीं देना है, कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस नहीं देनी है। वेरिएबल का नाम एक कंप्लीट वर्ड होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रूल है, नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर आर अलाउड इन द वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल को नाम देते समय अंडरस्कोर को तो यूज़ कर सकते, आप अंडरस्कोर स्टार्ट में यूज़ कर सकते, मिडल पे यूज़ कर सकते या फिर एंड में यूज़ कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर छोड़ के आप किसी भी स्पेशल सिंबल को एज अ वेरिएबल का नाम देते समय यूज़ नहीं कर सकते। मतलब स्पेशल सिंबल सिर्फ हम अंडरस्कोर को यूज़ करेंगे, बाकी किसी भी सिंबल को हम यूज़ नहीं करेंगे। और हम हमारा लास्ट रूल है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी रिजर्वड कीवर्ड्स। अब यही हम अगली स्लाइड में देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, और फिर बाद में मैं आपको रूल बताऊंगा। अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यू कैनॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कॉन्स्टेंट नेम।
There are only 32 reserved words in C language. C language में total 32 ऐसे words हैं जिनका कुछ ना कुछ meaning होता है और ये meaning already compiler को पता होता है. तो ये जो 32 keywords हैं, इन 32 keywords को हम as a variable name इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 32 keywords की list दे रखी है, इसमें से हमने अब तक int का meaning देखा. int का meaning होता है without decimal value, फ्लोट का मीनिंग होता है विथ डेसिमल वैल्यू, और कैरेक्टर का मीनिंग होता है सिंगल अल्फ़ाबेट. जैसे मैंने आपको यहाँ पे तीन वर्ड्स के मीनिंग बताए, वैसे बाकी के वर्ड्स के भी कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं. तो इन मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते और इसलिए हम इन वर्ड्स का यूज़ एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते. आप इन वर्ड्स छोड़ के और जो मैंने पहले आपको 4-5 रूल बताए, उन रूल्स को फॉलो करके आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है, इस वीडियो में हमने सिर्फ वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा. तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.